नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 15 जनवरी, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिमला में हुई हिमाचल प्रदेश कृषि विकास समिति की कार्य समिति की बैठक में युवा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए किस देश में भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है जापान में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के 150 युवा किसान खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए जापान जाएंगे। हर साल अलग अलग बैच में युवा जापान जाकर आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण लेंगे। जापान सरकार की एजेंसी जिसका नाम है जायका, इसके बारे में पहले भी काफी बार जिक्र किया है। इसकी फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ये जापान की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो दूसरे देशों के साथ विकास योजनाओं में सहायता करती है। जायका का मुख्य उद्देश्य है दूसरे देशों के विकास में सहायता करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में मदद करना, शिक्षा और तकनीक को बेहतर बनाने में योगदान देना। जायका हिमाचल प्रदेश में सरकार के साथ मिलकर काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और अब इसी एजेंसी के थ्रू हिमाचल प्रदेश के युवा किसानों को जापान प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जो कि बाकी स्टार्टअप योजनाओं की तरह ही कृषि क्षेत्र से युवाओं को रोजगार देने की एक अनोखी पहल है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का कौशल विकास निगम युवाओं का चयन करेगा। उन्हें सबसे पहले 6 महीने का राज्य में सरकारी खर्च पर होने वाला प्रशिक्षण करना होगा। इसके बाद उन्हें एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद ही उन्हें जापान भेजा जा सकेगा और इन्हें एग्रीकल्चर इंटर्न्स का नाम दिया जाएगा। इसके लिए उन युवाओं को पहल दी जाएगी जो जायका द्वारा चलाई जा रही सिंचाई योजना के चिन्हित क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हैं और जिनके माता पिता इन्हीं क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाके के स्थायी निवासी हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 15 डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है? तो इसका सही जवाब है 75 करोड़ रुपए का। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डे बोर्डिंग स्कूल्स खोलने के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इसमें पहले फेज में 15 डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। इन सभी स्कूलों को काम शुरू करने के लिए फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ये स्कूल पूरी तरह प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर काम करेंगे, जहां पर बच्चों को हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इन स्कूलों में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अलावा इन स्कूलों में हर्बल व बोटेनिकल गार्डन, स्विमिंग पूल, रिसेप्शन हॉल, इंडोर गेम्स के लिए अलग स्टेडियम जैसी सुविधाएं बच्चों को मुहैया करवाई जाएंगी। अगर बात की जाए किन किन एरियाज में जे स्कूल्स खोले जाएंगे, तो दोस्तों जे साइटें फाइनल हो चुकी है, जिसमें घुमारवी, नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, नगरोटा बगमा, परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर, हरोली, गगरेट, ज्वालामुखी और फतेहपुर शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला से आजादी के लिए चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है राजकुमारी अमृत कौर ने। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था, जो कि बंबई में एक भाषण से शुरू हुआ, जहां से महात्मा गांधी जी ने भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया। दोस्तों अगर बात की जाए राजकुमारी अमृत कौर जी के बारे में, तो उनका पूरा नाम राजकुमारी अमृत कौर आहलूवालिया था। उनका जन्म वर्ष 1899 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वह एक राजनेता थी और आजादी के बाद वह स्वतंत्र भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी और उन्होंने नई दिल्ली में एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी पहली अध्यक्ष भी बनी थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।